हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ DIY के स्टोर में। मैं पहली बार विजिट करी थी DIY के स्टोर में और मुझे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। जितने भी कप्स देख रहे हो ना, 99 के प्राइस रेंज में, मतलब बहुत ही क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। जब आप पास से जाके देखोगे तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा था बट क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और पहले मैं सोचती थी यहाँ पे कुछ DIY के लिए ऐसा कुछ जिसे आप घर में बना सकते हो, उससे कुछ जैसे स्कूल वगैरह के लिए या घर के लिए भी कुछ सजाने का आइटम हो या कुछ ऐसा है, मतलब DIY था बाहर में, तो मैं कभी इस स्टोर में जाती नहीं थी। तो पहली बार मैं गई तो यहाँ भी सारे आपको किचन से रिलेटेड होम डेकोर आइटम ये सभी कुछ मिल जाएंगे और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है। और क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये एक मैट है जिसको कि बिछाना है, जो रैक वगैरह होता है, वार्डरोब वगैरह कई जगह आप इसको बिछा सकते हो। और देखो कितना ज़्यादा इसमें है, 60 rupees ओनली है इसका प्राइस। और मतलब पतला सा है तो बहुत ज़्यादा है ये, इसमें पता नहीं कितना मीटर है, ठीक से मेंशन नहीं किया गया था, बट मुझे तो प्राइस बहुत ही इसका रिजनेबल लगा। यहाँ पे कुछ बेकिंग पेपर्स और किचन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है। ये है आइस क्यूब ट्रे, इसका प्राइस 135 है। तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है आपको यहाँ देखने से, बट जब आप स्टोर पे जाओगे ना तो यहाँ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये एक 20 piece का टिशू वाइप्स है, टिशू पेपर जो हम लोग बोलते हैं ना, वो यहाँ रोल किया गया है और ये 2-3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल था। मतलब बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी। और यहाँ पे प्लेन भी था, वाइट कलर का प्लेन भी था। उसके बाद यहाँ पे कुछ आइसक्रीम मॉल्स हैं, जैसे अभी गर्मियाँ आ गई है तो आइसक्रीम तो बनाना ही है, तो ये भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में थे। 135 ओनली प्राइस था 6 piece के आइसक्रीम मॉल्स का। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस है। जो भी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही अच्छी है। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में अगर कुछ आप चाहते हो, ये 85 में कुछ इस तरह का था, पता नहीं ये क्या है भाई, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं नहीं पहचान पाई ये क्या है, शायद एग सेपरेटर या जो भी हो। और किचन से रिलेटेड जितने भी इस तरह के छोटे मोटे जो कोस्टर वगैरह है, कपड़े के कोस्टर, रोटी रखने वाला, अंदर में जो गीला हो जाता है वो, फिर यहाँ पे स्पून है, मेजरिंग स्पून्स, तो इस तरह के जो किचन में छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना, वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे DIY के स्टोर्स में। और यहाँ इस सेक्शन में कुछ ग्लास जार्स रखे गए थे, 119 प्राइस रेंज में है, कुछ 200, कुछ 99, तो डिफरेंट प्राइस रेंज में, साइज वाइज प्राइस डिफरेंट है। और जैसे कि आजकल हम लोग प्लास्टिक स्विच कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे ग्लास जार्स मिल जाएंगे 490 में। ये 3 का सेट है अचार वगैरह रखने के लिए, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यहाँ कुछ शिपर बॉटल्स भी है। और यहाँ पे है कुछ जलेबी डब्बा, जो जलेबी हो या केक्स में डिज़ाइन करना हो इस तरह का, जो प्लास्टिक का होता है वो है, 49, 69, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में। क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी वाली भी है जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 191 में 2 का सेट है, थोड़ा सा लो ग्रेड क्वालिटी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस है। सिंगल सिंगल भी है और डबल के कॉम्बो में भी अवेलेबल है। उसके बाद इस टाइप के आपको प्लास्टिक के मल्टीपर्पज़ कंटेनर्स मिल जाएंगे, 139 के MRP में है ये। और यहाँ पे होम डेकोर के आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। फिर जो प्लांट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स, ये सभी यहाँ पे भरपूर मात्रा में थे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ के इंडोर प्लांट्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर दिल्ली के लोकल और इस सुपरमार्केट जो इस तरह के होते हैं, DIY, विशाल, मेगा मार्ट, डी मार्ट और भी जितने इस टाइप के सुपरमार्केट्स होते हैं, वहाँ के अपडेट और रिव्यू के साथ साथ ऑनलाइन भी अपडेट और रिव्यू लाती हूँ कि ऑनलाइन क्या ऑफ़र है, जैसे Amazon है, Myntra, Flipkart, Meesho, यहाँ पे किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा ऑफ़र कब होता है और ऑफ़र में कितना ऑफ़र है, ये सभी आपको मिलता रहेगा, कम्प्लीट पैकेज ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट का। तो
अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो पूरा देखिए और थोड़ा भी अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ इस सेक्शन में कंटेनर्स थे, टिफिन्स थी, मतलब दो सेट वाले टिफिन्स, सिंगल वाली, सभी टाइप के टिफिन्स थी। और ये इस तरह के जो फ्रिज वगैरह में हम कुछ रखते हैं या फिर आप कुछ ब्यूटी आइटम्स भी रख सकते हो, मल्टीपर्पस बोल सकते हो इसको, तो इस तरह के थे। तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी 370 में। और यहाँ पे मैंने और भी एक परचेज किया 99 के प्राइस रेंज में था, मैं आगे दिखाऊंगी। क्वालिटी थोड़ी सी डल थी बट मैंने अपने मेकअप के आइटम्स को रखने के लिए उसे परचेज किया था, उतनी भी डल नहीं थी, मतलब करना ही क्या है उसको रख ही देना है, लुक वाइज बहुत ही अच्छी थी, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये एक तीन का सेट है और इस तीन का प्राइस है 229। और ये कांच नहीं है, प्लास्टिक ही है, पर अच्छी वाली जो प्लास्टिक होती है वो है। और यहाँ पे इस तरह के कंटेनर्स आपको कई सारे मिल जाएंगे, ये फ्रिज में रखने वाले कंटेनर्स जो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है और सभी स्टोर में मिल जा रहा है, पर यहाँ जो क्वालिटी है ना थोड़ा सा अच्छा है। जो मैंने परचेज किया है ऑनलाइन 99 में शायद मैंने किया है, ये 165 प्राइस का है, देखने में ऐसे फिगर में आपको सेम लग रहा होगा बट क्वालिटी अच्छी है इसकी, जो प्राइस है मतलब उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी है। तो मैं पहले DIY के स्टोर से बाहर से ही निकल आती थी इसका नाम सुन के कि शायद यहाँ मेरे काम की चीज़ें नहीं है, और पहली बार मैं आई हूँ और किचन से रिलेटेड यहाँ सभी कुछ है। तो आपको भी अगर मेरी तरह कंफ्यूजन हो तो आप एक बार यहाँ जाके देख सकते हो, और अगर पहले से आप यहाँ के कस्टमर हो, लवर हो DIY के, तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ की क्वालिटी अच्छी लगी। और भी जगह जितने भी स्मार्ट बाज़ार और जहाँ के भी होते हैं वो मैं अपडेट और किस प्राइस रेंज में किस किस टाइप का प्रोडक्ट होता है तो देती रहती हूँ, बट ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी होम सेंटर के टक्कर में है बट होम सेंटर से सस्ता है। और ये एक डस्टबिन था जिसे मैंने परचेज किया है, अपने किचन में गैस के पास रखती हूँ, छोटे मोटे जो होते हैं ना ड्राई वेस्ट वो मैं इस पर रखती जाती हूँ, या सब्जियों का छिलका हुआ, प्याज का छिलका हुआ, तो इसमें रखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं डेली यूज़ में आता है, जैसे ये मेडिसिंस रखने वाले मंडे ट्यूसडे बना हुआ है, उसके बाद ये थ्रेडिंग किट है जिसमें कि सुई धागा सब कुछ है। सुई धागे की क्वालिटी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मैंने परचेज किया है बट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्वालिटी। बाकी और भी कई सारे आइटम्स हैं, कई सारे तो ऐसे जिसको मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि उसका यूज़ क्या है, क्या करना है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो कि इसका यूज़ क्या है। और ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आप सोच के नहीं भी जाते हो क्या परचेज करना है, पर देखने के बाद ज़रूरी का सामान दिख जाता है, मतलब जिसकी हमें नीड होती है पर पता भी नहीं होता कि ये मिलता है, अवेलेबल है, तो वो कुछ यहाँ दिख जाता है। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, स्प्रे बॉटल्स है बहुत ही अच्छे वाले, क्वालिटी में बहुत ही अच्छी थी स्प्रे बॉटल्स, यहाँ मैं दिखा रही हूँ ये वाला, मतलब 77 के प्राइस रेंज में है, कलर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह के ट्रांसपेरेंट वाले भी हैं, तो डिफरेंट क्वालिटी है, बट मुझे ये जो दो कलर में था ना पिंक और स्काई ब्लू, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ये एज कार्ड था शायद कुर्सी वगैरह के एज में लगाने के लिए, पता नहीं कहाँ 91 के प्राइस रेंज में ये था, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, अगर आपने किया हो तो ज़रूर इसके बारे में मुझे बताना ताकि नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मैं भी इस परचेज करूँ। यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि डाइनिंग टेबल या किसी भी टेबल के एज पे इसको लगा देना है जिससे कि शायद वॉल ख़राब नहीं होती है, पर मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। प्राइस भी काफ़ी कम ही लगा मुझे, 99 प्राइस था, पर मेन है कि इसका यूज़ क्या है जो कि मुझे नहीं पता। और ये एक 4-पीस का है कुछ सेट, ये भी कुछ एज प्रोटेक्टर ही है कॉर्नर वगैरह में, पता नहीं चेयर वगैरह के लगाने के लिए, ये भी कई सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल थे, तो इस तरह के एज गार्ड एज प्रोटेक्टर बहुत सारे मिल जाएंगे। ये है जो पॉलीथीन में हम लगाते हैं 69 में, ये 6 का सेट है, जब भी हम कुछ चिप्स वगैरह खा लेते हैं तो उसको रैप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे घड़ियों का भी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा था, वॉल क्लॉक जितने भी हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, प्राइस यहाँ पे 99 से स्टार्टिंग थी और 1200-1500-2000 इस तरह के भी प्राइस रेंज में थी, तो बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है, मतलब अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो घड़ी वगैरह तो आप यहाँ जाके देख सकते हो।
और इन घड़ियों का डिज़ाइन भी ऑनेस्टली कहूँ सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जितना भी आप देखो। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मतलब डिज़ाइन थी, आप अपने वॉल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कलर एंड डिज़ाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका मैं सेकेंड पार्ट भी लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, किस किस प्राइस रेंज में किस किस टाइप के हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारत।